हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपके हिंदी टीचर नाविशेक, कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था लेसन नंबर 16, सच्चा बालक। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि शामू नाम का एक माली का बेटा है, जो कि बहुत ही मेहनती है और ईमानदार है। वो जो भी काम करता है सच्चाई से करता है। तो इस पार्ट में हमने देखा था विद्यालय में प्रधानाध्यापक ने कुछ बच्चों के लिए कुछ बच्चों को समझाया था कि स्वस्थ पौधा जो कोई बच्चा उगा के लाएगा, उसके लिए उन्होंने समय दिया था 2 माह का। इस 2 माह में जो बच्चा स्वस्थ पौधा उगा कर लाएगा, उसके शिक्षण पर आने वाला जो भी कुछ खर्चा है वो विद्यालय उठाएगा। तो बच्चों को उन्होंने कुछ फूल के बीज दिए हुए थे और उन्हें वो गमले में उगाना था। तो उसी तरह से फिर शामू ने क्या किया, वो बीज लेकर गया। उसने बीज उगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बीज ना उगा सका। नियत समय पर जब बच्चों ने अच्छा वाला पौधा जो स्वस्थ है वो लाकर बताया, तो उस समय जब प्रधानाध्यापक ने देखा कि शामू का गमला जो है वो खाली है, तो वो चकित रह गए। बाद में उन्होंने उसे शाबाशी दे दी, वो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि शामू की सच्चाई। बाकी के जो विद्यालय के जो बच्चे थे, छात्र थे, उन्होंने क्या किया था, वो भुने हुए बीज जो उग नहीं पाए उन्हें ऐसे ही रख के जो स्वस्थ पौधा था वो लाकर प्रधानाध्यापक को उन्होंने बताया था। लेकिन शामू ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी दिखाते हुए प्रधानाध्यापक से उन्होंने शाबाशी ले ली। तो इसे इस पाठ से हमें ये सीख लेना था कि हमें अगर सफलता पानी है तो सच्चाई के राह पर ही चलना है। ईमानदारी और सच्चाई से हमें संतोष मिलता है, सुख मिलता है। इस पाठ से हमने ये संस्कार लिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इस पाठ का वाचन करने के लिए बोला था, आपने किया होगा ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो बच्चों, इस पाठ पर आधारित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पूछूंगी, उसके आपको आंसर देना है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महीने में 30 दिन होते हैं? देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन से महीने में 30 दिन होते हैं? बताओ बच्चों, कौन से महीने में होते हैं? हाँ, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। कौन कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, पेड़ पौधे उगाने के लिए कौन सा मौसम अच्छा होता है? पेड़ पौधे उगाने के लिए कौन सा मौसम अच्छा होता है? कौन से मौसम में पेड़ पौधे अच्छे उगते हैं बताओ बच्चों? पेड़ उगने के लिए क्या जरूरी है? हवा चाहिए, और क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए और सूर्य प्रकाश, और एक चीज जरूरी है वो है पानी। तो वर्षा ऋतु में नेचुरली पानी इन पौधों को मिलता है। तो फिर पौधे उगाने के लिए कौन सा मौसम अच्छा है? वर्षा ऋतु। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं बताओ बच्चों? 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं 1 सप्ताह में? 7 दिन होते हैं, बराबर है। तो 2 सप्ताह में दोनों मिलाकर कितने हो गए? 7 और 7, 7 + 7 कितने हो गए? 14, बराबर है। 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चित्र देखकर बताओ बच्चों के गमले में कौन कौन से रंग के फूल खिले हैं। देखो इस चित्र में दिख रहा है, कलर देखो उसके कौन कौन से हैं बताओ। जो फर्स्ट वन है गमला, वो किसका है? यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है? जो खाली गमला है वो है शामू, बराबर है ना। देखो वो सर झुका है, रुका है, क्योंकि उसका गमला खाली है। देखो ये दूसरे जो बच्चे हैं उनके हाथ में जो गमले हैं उसका कलर कौन सा है बताओ? फर्स्ट वन जो है उसका है, ये है लाल, ये है गुलाबी और ये है पीला, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
यदि समय पर गृह कार्य पूरा न हो तो क्या आप दूसरे बच्चों को नकल करके पूरा करते हो या शिक्षिका को सच बताते हो? बताओ बच्चों, आप क्या करते हो? अगर आपका गृह कार्य, आपको कोई होमवर्क दिया है और आपने वो कंप्लीट नहीं किया है, तो आप बच्चों का, आपके फ्रेंड्स का देख के उसको कॉपी करते हो, उसकी नकल उतारते हो या शिक्षिका को सच बताते हो? तो देखो बच्चों, हमें हमेशा सच्चाई से रहना है, अपना कार्य नियत समय पर पूरा करना है। तो इस तरह से किसी की भी नकल न करते हुए स्वयं ही अध्ययन करना है, लेखन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या आपके माता पिता आपके स्कूल के कामों को करवाने में आपकी सहायता करते हैं? बताइए वे क्या-क्या करते हैं। बताओ बच्चों, आप लोग अपनी मम्मी पापा की सहायता कब लेते हो? जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया होता है तब आप उनकी सहायता लेते हो, है ना? अगर होमवर्क करना है तो उनकी सहायता लेना है क्या? नहीं, होमवर्क खुद से ही करना है। लेकिन जब पेपर कटिंग वगैरह होता है तो तभी दिक्कत आती है बच्चों को, तो उस समय अपने माता पिता की सहायता लेना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुंदर फूल पर एक कविता लय के साथ सुनाइए। अगर आपको कोई कविता आती है तो वो आप बोलने की, सुनने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, यदि आप शामू होते तो आप अपनी परेशानी प्रधानाध्यापक को किस तरह बताते? बताओ बच्चों, अगर आप शामू के जगह पर होते तो प्रधानाध्यापक को बताते क्या? अगर आप सच्चाई के राह पर चलते हो तो जो भी कुछ बात है वो प्रधानाध्यापक को बताना ही चाहिए था, है ना? ठीक है। गदगद होना, बहुत खुश होना, बताओ बच्चों आप इसका वाक्य बना सकते हो क्या? जब रमेश का कक्षा में प्रथम क्रमांक आ गया तो उसके माता पिता गदगद हो गए। गदगद हो गए यानी बहुत खुश होना, ठीक है। इस तरह से हमें ये सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, भुने हुए बीज अंकुरित क्यों नहीं हो सकते, पता कीजिए। तो आपको ये पता करना है, भुने हुए बीज कभी उग सकते हैं क्या? नहीं। बीज अंकुरण के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है। अगर ये भुने हुए बीज होते हैं तो उसमें से कभी भी अंकुर बाहर नहीं आ सकता। ये आपको सर्च करना है क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपना कोई ऐसा काम बताओ जिस पर सबने तालियां बजाई हो। आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे कि आपके माता पिता खुश हो गए और स्कूल के भी लोग खुश हो गए, टीचर्स वगैरह, और उन्होंने आपके लिए तालियां बजाई है। तो हमें कैसा रहना है? सच्चाई से रहना है, ईमानदारी से रहना है और सफलता हासिल करना है, जैसे कि शामू ने किया था। इस पाठ से हमें ये सीख लेना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग आज स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो बच्चों, टेक्स्टबुक ओपन करो, पेज नंबर 98। ओपन किया सभी ने? ठीक है। देखो पार्ट बोध, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर पर सही का निशान लगाई। शामू किसका बेटा था? किसान का, व्यापारी का, माली का? किसका बेटा था शामू? बताओ बच्चों, शामू किसका बच्चा था, किसका बेटा था? किसान का था, व्यापारी का था या माली का था? हाँ बराबर है, माली का। तो यहाँ पर टिक मार्क कर दो। नेक्स्ट क्या है, फूलों के पौधों को विकसित करने के लिए कितने महीने का समय दिया था? प्रधानाध्यापक ने बच्चों को कितना समय दिया था? आपने लेसन रीड किया होगा तो आपको ये आंसर देने को आएगा, ठीक है। 4 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, कितना समय दिया था? अभी हमने देखा था 2 महीने यानी कितने दिन, कितना समय दिया था?
दो महीने का, ठीक है। बच्चे अपने अभिभावकों के साथ कहाँ इकट्ठे हुए थे? मकान के बाहर, नगर के भीतर, विद्यालय में। तो बच्चों को नियत समय पर प्रधानाध्यापक ने कहाँ पर बुलाया था? कहाँ पर बुलाया था? मकान के बाहर, नगर के भीतर या विद्यालय में? कहाँ पर? विद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से टिक मार्क करना है। तो बच्चों समझ में आ गया, शामू किसका बेटा था? शामू एक माली का बेटा था। फलों के पौधों को विकसित, फूलों के पौधों को विकसित करने के लिए कितने माह लगते हैं? दो महीने का समय दिया गया था। बच्चे अपने अभिभावक के साथ कहाँ पर इकट्ठे हो गए? विद्यालय में इकट्ठे हो गए, ठीक है। लिखा सभी ने? तो बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन करो। किया सभी ने? नेक्स्ट क्या है? पौधा उगाने बच्चों की मदद किसने की? पौधा उगाने में बच्चों की मदद किसने की? जब प्रधानाध्यापक ने बोला कि आपको शिक्षण में आने वाला जो भी खर्चा है वो विद्यालय उठाएगा, तभी माता पिता खुश हो गए और उन्होंने खुश होकर क्या किया? बच्चों को मदद की, है ना। तो पौधा उगाने में बच्चों की मदद किसने की? माली ने की, माता पिता ने की और नौकर ने। क्या आएगा यहाँ पर? माता पिता ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? वाक्य क्या है देखो? बेटा उदास मत हो। किसने किससे कहा बताओ बच्चों? किसने कहा? बेटा उदास मत हो, लोगों ने शामू से कहा। जब सभी बच्चे, सभी छात्र विद्यालय में एक साथ आ गए अपने पौधों के साथ, तभी शामू कैसा था? नाराज था। तभी वहां पर जो लोग इकट्ठा हो गए थे उन्होंने शामू से क्या बोला? बेटा उदास मत हो, लोगों ने शामू से कहा। लोगों ने शामू से कहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुमने कोई पौधा क्यों नहीं उगाया? किसने किससे कहा बताओ बच्चों? तुमने कोई पौधा क्यों नहीं उगाया? प्रधानाध्यापक ने शामू से कहा, है ना। प्रधानाध्यापक ने प्रधानाध्यापक ने ये वर्ड बराबर लिखना है बच्चों। ध को य जुड़ाना है, ध यहाँ पर आधा है, ठीक है। प्रधानाध्यापक ने शामू से कहा, क्यों कहा इस तरह से शामू को? क्योंकि उसका गमला खाली था, उसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने शामू से क्या कहा? तुमने कोई पौधा क्यों नहीं उगाया? उसके बाद देखो, मैंने जानबूझकर सबको भुने हुए बीज दिए थे। किसने किससे कहा बताओ बच्चों? हाँ बराबर है, प्रधानाध्यापक ने सभी छात्राओं से कहा। देखो यहाँ पर, प्रधानाध्यापक ने सभी छात्राओं से कहा। सभी छात्राओं से कहा, ठीक है। देखो और एक बार मैं दोहराऊंगी, बेटा उदास मत हो, लोगों ने शामू से कहा।
तुमने कोई पौधा क्यों नहीं उगाया? प्रधानाध्यापक ने शामू से कहा। मैंने जानबूझकर सबको भुने हुए बीज दिए थे, प्रधानाध्यापक ने सभी छात्राओं से कहा। ठीक है, लिखा सभी ने? देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन था, पाठ को पढ़कर वाक्य पूरे कीजिए। देखो आपको अगर ये वाक्य पूरे करने हैं तो क्या जरूरी है, पाठ का वाचन करना जरूरी है ना, नहीं तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आपको नहीं आएंगे, तो इसलिए पाठ का वाचन जरूर करना है। ठीक है, देखो शामू बहुत गाइडेश और मेहनती था। कैसा था शामू बताओ? ये हमें मन से नहीं लिखना है, जो पाठ में सेंटेंस आया हुआ है, जो वर्ड है वही लिखना है। कैसा था शामू? बहुत होशियार, होशियार था ना शामू, बहुत होशियार और मेहनती था। ठीक है बेटा, डैश डैश मत हो, बोलो क्या आएगा यहाँ पर? बेटा उदास मत हो। लोगों ने शामू से कहा था ना, बेटा उदास मत हो। कौन सा बालक डैश डैश है बताओ क्या आएगा यहाँ पर? कौन सा बालक सच्चा है? ठीक है लिखो यहाँ पे, कौन सा बालक सच्चा है? श्यामदेव बहुत बड़ा टिम्बटिम्ब बना। देखो बच्चों, सच्चाई और ईमानदारी के राह पर चलकर श्यामू क्या बना था? क्या बना बोलो? अफसर। सही है, क्या बना वो? बहुत बड़ा अफसर बन गया, अफसर बना। ठीक है लिखा सभी ने? तो देखो बच्चों मैं और एक बार रीड करूंगी, श्यामू बहुत होशियार और मेहनती था, बेटा उदास मत हो, कौन सा बालक सच्चा है, श्यामदेव बहुत बड़ा अफसर बना। ठीक है नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, कहानी के अनुसार सही या गलत लिखिए। क्या है? बालकों को फलों के बीज दिए गए थे। बताओ बच्चों कौन से बीज दिए गए थे, फलों के या फूलों के दिए थे प्रधानाध्यापक ने? सही है गलत है ये बताओ? हाँ ये आंसर क्या है? गलत है, बराबर, वेरी गुड। कौन से बीज दिए हुए थे? फूलों के, फलों के नहीं है ना, तो यहाँ पर आएगा गलत। ख क्या है? देखो बच्चों को सुंदर और स्वस्थ पौधे विकसित करने थे। क्या शर्त थी प्रधानाध्यापक ने क्या स्पर्धा अरेंज की थी? कि सुंदर और स्वस्थ पौधा विकसित करना है ना, बच्चों को सुंदर और स्वस्थ पौधे विकसित करने थे, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सही, बराबर है सही। ठीक है नेक्स्ट देखो, श्यामू एक किसान का बेटा था, बराबर है या गलत है? किसका बेटा था वो बताओ? माली का था, तो फिर आंसर क्या आएगा यहाँ पर? गलत आएगा है ना, किसान का बेटा था क्या? नहीं, माली का था। किसान क्या करता है? अनाज उगाता है, और माली क्या करता है? उसकी देखभाल करता है ना, दोनों में ये फर्क है। नेक्स्ट देखो, श्यामू के गमले का फूल सबसे अच्छा था। श्यामू ने कोई पेड़ पौधा उगाया था क्या? नहीं, तो फिर ये आंसर क्या आएगा यहाँ पर? श्यामू के गमले का फूल सबसे अच्छा था, यहाँ पर क्या आएगा? गलत। लास्ट वन देखो, मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। सही है गलत है?
शामू ने बोला ना, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की लेकिन मैं कोई पौधा उगा नहीं पाया। तो फिर ये जो सेंटेंस है वो क्या है? सही है। ठीक है, लिखा सभी ने? बालकों को फलों के बीज दिए गए थे, ये आंसर गलत है। बच्चों को सुंदर और स्वस्थ पौधा विकसित करने थे, ये आंसर है सही। श्यामू एक किसान का बेटा था, ये है गलत। श्यामू के गमले का फूल सबसे अच्छा था, इसका भी आंसर क्या होगा? गलत। मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, ये है सही। लिखा सभी ने? ओके, नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों। किया ओपन। देखो बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन है, ग्रामर का पार्ट है, भाषा बोध, तो ये मैं लास्ट में लूंगी। उससे पहला देखो एट क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों में से विशेष और विशेषण चुनकर लिखना है। तो देखो यहाँ पर दिया है, वे सुंदर पौधे लेकर आए थे। तो यहाँ पर है विशेष और ये यहाँ पर है विशेषण। तो इसमें विशेष क्या आएगा और विशेषण क्या आएगा बताओ? विशेष क्या है? पौधे। और विशेषण क्या है? ये पौधे कैसे हैं? सुंदर पौधे। विशेष क्या है? पौधे। और विशेषण क्या है? पौधे कैसे थे? सुंदर थे। तो यहां पर आएगा सुंदर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो क्या है। ख, यह एक अच्छी पुस्तक है। अभी देखो इसमें विशेषण क्या आएगा? विशेष क्या आएगा? पुस्तक। और वो पुस्तक कैसा है? अच्छी है ना? वो पुस्तक कैसी है? अच्छी है। तो वो आएगा विशेषण। तो लिखो सभी, पुस्तक। पुस्तक ये क्या है? विशेष। और उसका विशेषण क्या है? अच्छी। तो लिखो यहाँ पर अच्छी। नेक्स्ट क्या है? हरे भरे पेड़ लहा लहा रहे थे। हरे बड़े, हरे भरे पेड़, लहरा चाहिए यहाँ पर, ये गलत है। यहाँ पर ये वर्ड ऐसे चाहिए, हरे भरे पेड़ लहरा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी विशेष और विशेषण क्या आएगा? विशेष आएगा पेड़, और हरे भरे क्या आएगा? उसका विशेषण। पेड़ क्या आएगा? विशेष, और हरे भरे विशेषण, हरे भरे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईमानदार लड़की की सबने तारीफ की। तो यहाँ पर विशेष क्या है? लड़की। और वो कैसी है? उसका विशेषण क्या है? ईमानदार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? लड़की। और ये लड़की कैसी है? ईमानदार। तो विशेषण में आएगा ईमानदार। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं और एक बार दोहराऊंगी। दिए गए वाक्यों में से हमें विशेष और विशेषण छांटकर लिखना है। वे सुंदर पौधे लेकर आए थे। तो यहाँ पर पौधे ये क्या आएगा? विशेष आएगा। और सुंदर ये क्या आएगा? विशेषण। यह एक अच्छी पुस्तक है, तो पुस्तक क्या आएगा? विशेष। और अच्छी क्या आएगा? विशेषण। हरे भरे पेड़ लहरा रहे थे, तो यहाँ पर विशेष आएगा पेड़, हरे भरे आएगा उसका विशेषण। ईमानदार लड़की की सबने तारीफ की,
तो इसमें का विशेष क्या है, लड़की, और विशेषण है ईमानदार। ठीक है, लिखा सभी ने। उसके बाद देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हमने ये पाठ पढ़ा था सर्वनाम का, है ना, ग्रामर में हमने रीड किया था ना, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, बताओ सर्वनाम क्या आएगा इसमें। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, सर्वनाम क्या है, कोई, बराबर है, क्या आएगा सर्वनाम, कोई। यहाँ पर नाम नहीं दिया है, नाम की जगह पर क्या आया है, सर्वनाम। हम सब खेलेंगे, तो देखो सर्वनाम क्या आएगा, कौन खेलने वाले हैं, हम खेलने वाले, हम याने बहुत सारे बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सभी का नाम नहीं दिया है, नाम की जगह पर सर्वनाम आया है, क्या है यहाँ पर, हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज ओपन करो। किया सभी ने ओपन पेज नंबर 101। वह कल अवश्य आएगा, तो यहाँ पर नाम किसी का दिया है क्या, नहीं दिख रहा है, तो कौन आने वाला है, वह, तो यहाँ पर सर्वनाम क्या आएगा, वह, वह। इसके बाद देखो, अपना काम स्वयं करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, किसी का नाम नहीं है, नाम की जगह पर सर्वनाम आया, कौन सा है, अपना, तो यहाँ पर क्या आएगा, अपना। समझ में आ गया, सर्वनाम किसे कहते हैं, नाम की जगह पर हम लोग जो यूज करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रचनात्मक कार्य है, पौधे के विभिन्न अंगों के नाम कोष्टक में दिए गए हैं, सही नाम चुनकर बॉक्स में लिखना है, तना, फल, पत्ती, फूल, जड़, डाली, कली, ये ऑप्शन आपको दिए हुए है, और यहाँ पर ये पौधे का चित्रण किया है, तो आपको इसका नाम लिखना है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये सभी आपको इसके सभी के नाम पता है ना, तो ये बॉक्स में उसके नाम फिलअप करना है, ये रचनात्मक कार्य है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, उसके आगे देखो बच्चों, ये भी काम इंटरेस्टिंग है, दो गमलों में बीज बोइए, एक को धूप, पानी, खाद बराबर दीजिए, और दूसरे को अंधेरे कमरे में बिना पानी खाद के रखिए, कुछ दिनों बाद दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है और क्यों, एक अनुच्छेद के रूप में लिखकर बताइए। तो देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट, आप घर पे हो तो घर पे रहकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक दो गमले लेना है, एक गमले में दोनों में बीज बोना है, एक को सब देना है, पानी, खाद, सूर्य प्रकाश, जो भी जरूरी है पौधा बड़ा होने के लिए, बीज अंकुरण के लिए, वो सभी करना है, और दूसरे को अंधेरे में रखना है, और उसको पानी नहीं डालना है, बीज खाद कुछ भी नहीं देना है। तो आपको समझ में आएगा कि कौन से गमले में पौधा उगा है और कौन से में नहीं। ठीक है, गुरु का महत्व इस विषय पर 5-7 वाक्य में अनुच्छेद लिखिए। तो होमवर्क बुक में गुरु का महत्व इसके ऊपर 5-7 लाइन आपको लिखना है। तो बच्चों ये पाठ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, सच्चा बालक, इस पाठ से हमें क्या सीख लेना है, अगर हमें सफलता पानी है तो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही हमें सफलता हासिल होती है, और इससे मिलने वाली से जो सफलता है उससे हमें और हमारे माता पिता को बहुत ही खुशी मिलती है ना। तो बच्चों आप भी इसी तरह शामू की तरह उसी के रास्ते पर चलने की कोशिश करो और सफलता हासिल करो। तो बच्चों आज मैंने जो स्वाध्याय लिया है उस स्वाध्याय का पठन आपको एक बार करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।